आज आपको इटावा के एक पुलिस कप्तान का वीडियो दिखाएंगे जहां एक गांव में एक दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद एसएसपी साहब जब गांव वालों के बीच मनाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? अधिकारी होता है, एक मिनट मेरी बात सुन लो, जबान का महत्व रखिएगा। मतलब ये नहीं कि मैं फिर बात कहूँ फिर दूसरा कोई आदमी आए साहब फिर दूसरी बात सुन लिया तब मैं कमिटमेंट करूं कुछ, ठीक है? जबान एक होती है, जबान जिसे कह दिया आप पहले बता दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बता दीजिएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, करने लायक होगा बिल्कुल करेंगे सर। नहीं ये देखो फिर ये सब बातें मत कहो कि फिर करने लायक होगा। नहीं अपनी और सलाम ला ले भाई, उनसे कर लो बात, कर कमिटमेंट की बात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आज एसएसपी हूं तो कल हट जाऊंगा, आपका काम फिर भी पड़ेगा मुझसे यार, ठीक है? आप मेरे बारे में परख लीजिएगा, अधिकारी कैसा है पहली बात नोट कर लो, अधिकारी कैसा परख लो, ठीक है? अधिकारी को परखने की सीमा और क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर पब्लिक को अखबार पढ़ने का है तरीका तो मेरे बारे में जानकारी कर लीजिए, मैं अधिकारी कैसा, ठीक है? मैं लिबरल आदमी नहीं हूँ, इधर भी बोलूँ उधर भी बोलूँ लिपचिप वाला आदमी, ठीक है? जबान का आदमी हूँ, पक्का आदमी बता दे रहा हूँ मैं आपसे, जो कह दूंगा करके दिखा दूंगा, ठीक है? बाकी हाँ यहाँ पर मैं हथेली में सरसों नहीं उगा दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा ये मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ जबान का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। बार बार इधर उधर की बात नहीं, दो रिक्वेस्ट है, एक बच्चों का इनका भविष्य बनाने के लिए कुछ न कुछ कोई इनकम और स्रोत का कुछ किया जाए, और जो भी है इनका सारा खत्म हो गया, जमीन इतनी है नहीं, गरीब परिवार वो आप ही देख रहे हैं सर, तो दो वक्त की रोटी कमाने का कोई उद्देश्य मिल जाए इनको, और जो जो क्राइम हुआ है उसके बारे क्रिमिनल पकड़े जाए। हालांकि एसएसपी साहब की बात गांव वाले नहीं मानते, तो इस पर एसएसपी साहब सीधा डीएम को फोन लगा देते हैं। मेरे डीएम से बात अभी करने जा रहा हूं, ठीक है? तो मैं जो भी इनकी आर्थिक सहायता है, अगर गरीब महिला है इनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, ठीक है? मैं डीएम से मीडियम से बता रहा हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर जबान पर हटिएगा नहीं, दो मिनट समय देना, डिसाइड करेंगे जी। ये कह रहा हूँ कि मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, ये लोगों की आर्थिक सहायता की जो मांग है बेस्ट पॉसिबल, मैं आपसे यही कह दिया हूँ कि डीएम साहब से मेरी बात हो जा रही है कि जो आर्थिक सहायता के बेस्ट पॉसिबल होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, सुन लिया? आप डिसाइड ना करो यार, जबान का सम्मान रखो, मैंने कहा था तुमसे यार, ऐसे सम्मान कैसे रख लिया जाएगा, मुझे भी थोड़ा सोचने का समय दीजिए। आपने मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अब डिसाइड करो ये करो ये नहीं, मैंने ये भी कहा कि जबान का सम्मान रखिएगा, बाकी आप जाके बात कर सकते हो, बात करें थोड़ा करूंगा, अगर ये प्लान एक्सेप्ट करने लायक है हम कर लेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है यार, लायक नहीं लग रहा है जी? कह रहे सर आप ज्यादा, आप जो है थोड़ा सा मतलब ये इतना बड़ा अधिकारी बोल रहा है यार, उसका भी सम्मान रखना चाहिए, हम समझा रहे हैं लोगों, इतना नहीं हवा में बात करनी चाहिए जो है यार। देखो इधर मैंने यही कहा ना कि यार फिर मैं चला जाऊँ, फिर कहो तो मैं चला जाऊँ यार। इसके बाद देखिए किस तरीके से एसएसपी साहब अपनी बात रख कर गाँव से निकल जाते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।